बेमौसम बारिश ने इस बार हर तरह के किसानों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, लेकिन ज्यादा परेशान वो किसान हैं जो फल फूलों की खेती करते हैं और उनकी 90% फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अभी तक ना तो सर्वे हुआ और ना ही किसी मुआवजे का आश्वासन मिला। बेमौसम बरसात और भयंकर ओलावृष्टि से बेहाल किसान, जिन फसलों को लेकर किसान सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे थे, बेमौसम की बरसात ने सबको तबाह कर दिया। अलीराजपुर में आम और महुआ की खेती करने वाले किसानों का हाल बेहाल है, लेकिन सरकार की तरफ से इन फसलों के लिए ना तो कोई सर्वे हुआ और ना ही कोई मुआवजा मिला। लाखों का नुकसान हुआ मगर कोई मदद नहीं। गवर्नमेंट किसान मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों को जो हॉर्टिकल्चर करते हैं, जिनने पेड़ पौधे लगवाए, गवर्नमेंट ने पेड़ पौधे लगाए, फल बागान के बगीचे बनवाए, अब वही गवर्नमेंट हमको किसान मानने को तैयार नहीं है। हमको ये बताने, हमको आज तक किसी प्रकार की कोई मदद इस पेड़ पौधे के ऊपर नहीं दी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। आपके कितना कितना फीसदी फसल नष्ट हुई है? करीबन 7 से 8% बचा है, मतलब जिसको हम कह सकते कि बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इस इलाके में ज्यादातर किसानों की आजीविका महुआ और आम की फसलों पर ही निर्भर है। ऐसे में इन गरीब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ओले गिरने के कारण नुकसान हुआ तो उसमें कहीं सरकार थोड़ा बहुत सहयोग कर देता, अच्छी बात है, किसानों को फायदा मिल जाए थोड़ा बहुत। पूरे क्षेत्र में ये काम हो गया। महुआ की फसल ही लेते हैं? महुआ की फसल लेते हैं, आम के आते हैं, अभी आम भी नहीं है, वो बहुत सारा कोई नुकसान हुआ है उसमें। परेशान किसान कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने नियमों का हवाला दिया, लेकिन ये भी कहा कि शिकायत आने पर इस ओर ध्यान दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभी किसी भी शिकायत किसी कोई किसान ने की नहीं है। अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि केवल इस स्थिति में फल मार खा गया है, उसकी हम जांच करा लेंगे और उस पर कितनी शासन से कितनी राहत मिलेगी या कुछ राहत राशि का वितरण किया जाना है, तो इसका मार्गदर्शन पीएस राजस्व से लेकर के कार्रवाई करूंगा। शासन के दोहरे मापदंड हैं, जिसमें रबी की फसलों के नुकसान का आकलन हो रहा है, लेकिन आम और महुआ की फसलों का कोई सर्वे नहीं हुआ है। अगर इन गरीब किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो किसान कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। समय के लिए अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।